हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विथ फिज़िक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर क्लास 10th CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और इस पर्टिकुलर मतलब ये जो सीरीज़ हम चलाएंगे इसमें क्लास 10th के ही वीडियोज़ आने वाले हैं। इससे पहले इस पर्टिकुलर चैनल पे क्लास 12th के वीडियोस थे जो कि हिंदी मीडियम और कुछ इंग्लिश मीडियम के लिए थे, लेकिन इस बार हम क्लास 10th के इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं। चैप्टर जो मैं चालू करने वाला हूं बच्चों वो है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जब आप 10th में आते हैं तो फिज़िक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपने पहले से पढ़ रखी है। ऐसा नहीं है कि फिज़िक्स पहली बार जुड़ी है 10th के सिलेबस में, पहले से चलती हुई आ रही है। आप 6th, 7th, 8th, 9th तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के दो दो चैप्टर आपकी बुक के अंदर हैं और ये आपने पहले भी पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, शायद 8th या 7th के सिलेबस के अंदर लाइट भी था और इलेक्ट्रिसिटी भी थी, तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है और ये दोनों चीज़ें ही ऐसी हैं जिनसे आप अपनी डेली लाइफ में डील करते हैं। तो जो चैप्टर 10th के सिलेबस में है ना बच्चों, वो निहायत ही बढ़िया है। निहायत का मतलब बहुत ऑसम चैप्टर्स जो हैं वो आपके पास में हैं। ये आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छे लगेंगे, समझने में भी अच्छे लगेंगे और जब आप एग्ज़ाम पेपर में इनके क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ तो मैंने मतलब 7th 8th में पढ़ ली थी और वो आ रही है सिलेबस के अंदर। ठीक है, चलिए तो चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, आप बोलोगे सर लाइट से क्यों नहीं चालू कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी कॉमन चीज है जिसको हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप देखेंगे कि मोर देन 60% or 70% थिंग्स ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, जिनसे आप रोजाना डील करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लूँ तो इस समय अगर आपके कमरे में रोशनी है और आप नाइट में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। समर डेज हैं, फैंस लगातार चलता रहता है, किससे काम हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। जिस फोन में या जिस लैपटॉप में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। गर्मियां ज्यादा हैं, एसी या कूलर आपने चला रखा होगा, किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है ना। ठंडा पानी पी रहे हो, कहाँ से लेकर के आ रहे हो? फ्रिज से लेकर के आ रहे हो। फ्रिज कहाँ से चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। ठीक है, हाँ, स्कूल जाते हो, अच्छी ड्रेस पहनते हो, प्रेस की हुई ड्रेस पहनते हो, प्रेस किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी डेली लाइफ में मतलब इनको लगातार यूज़ करते रहते हो। सोचिए, तीन हम बोलते हैं कि बेसिक नीड होती है ह्यूमन बीइंग की, जिसे हिंदी में बोला जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मतलब फूड, कपड़ा मतलब क्लोथ्स और मकान मतलब हाउस। हमें खाने के लिए फूड चाहिए, पहनने के लिए क्लोथ चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। ये बेसिक नीड है। ठीक है, एक नीड इसमें और ऐड कर दीजिए, दैट नीड इज इलेक्ट्रिसिटी। वो घर शायद अब हमारे लिए कोई काम का नहीं होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। पहले के लोग रह गए होंगे, है ना, हमारे दादा परदादा या उनसे पहले वाली जो जनरेशन थी वो रह गए भी, वो उनका टाइम था। लेकिन अब अगर हम सोचे कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर रह सकते हैं, चांस ही नहीं है। लाइट एक बार के लिए चली जाती है ना घर में, और पंखा अगर 10 मिनट के लिए भी ऑफ रहता है ना तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया है, है ना। और फिर हम ऐसे चिल्ला के बोलते, अरे ये लाइट कब आएगी, है ना। लाइट तो आई हुई होती है, आगे से सप्लाई कट होती है। ऑलराइट, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो चैप्टर है हमारे पास में बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत ज्यादा। चलिए थोड़ा सा ऐसे ही बात करते हैं जिससे आपको लगे कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। लेट्स सपोज कीजिए आपको एक बल्ब को ग्लो करना है, आपके रूम में जो बल्ब है उसे ग्लो करना है। क्या करते हो आप? सिंपली जाते हो, एक स्विच को ऑन कर देते हो। ठीक है, स्विच को ऑन किया, बल्ब ग्लो कर गया, स्विच को ऑफ किया, बल्ब ऑफ हो गया, ऐसा ही होता है। चलिए ये लेट्स सपोज कीजिए ये पावर बोर्ड है ना, और इस पावर बोर्ड के अंदर, बोर्ड तो समझते हो इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर के में बहुत बोर्ड होते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्विचेस लगे हुए होते हैं। तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं,
है ना, और बहुत सारे 3 पिन या 2 पिन लगे हुए हैं। 3 पिन और 2 पिन समझते हो, जिन प्लग्स जानते हो ना, प्लग्स को इन डालते हैं तो कोई ना कोई चीज़ काम ऑपरेट करने लग जाती है, ठीक है। तो लेट सपोज कीजिए ये बल्ब का स्विच था, इसे हमने ऑन किया, जैसे ही ऑन किया यहाँ पर जो बल्ब था वो ऑटोमेटिकली क्या करने लग गया, ग्लो करने लग गया। वो ग्लो क्यों किया इसका रीजन समझिए, यहाँ पर एक पाथ ऐसा है जो कि इस बल्ब को किसी ना किसी तरीके से इस स्विच से जोड़ रहा है, ठीक। अब क्या ये स्विच ही इस बल्ब को ग्लो करवा सकता है, तो आंसर है नहीं। सिर्फ और सिर्फ स्विच जो है वो अकेला इस बल्ब को ग्लो नहीं करवा सकता। हमें दिखता ऐसा है कि हमने स्विच को ऑन किया और बल्ब ग्लो कर गया, लेकिन क्या ये स्विच ही एक ऐसी चीज है जिससे बल्ब ग्लो करेगा? तो भैया स्विच के पीछे का मैकेनिज्म भी समझिए, ठीक है। स्विच के पीछे कोई और ऐसी चीज है जो इस बल्ब को ग्लो करवाती है, ठीक है। वो क्या चीज है? जनरली वी से इट सेल, वी नॉन इट एज अ सेल, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर सेल डू द टास्क विच ग्लोज अ बल्ब, ठीक है। अब ये सेल होता क्या है, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने घरों में छोटे से ऐसे सेल दे रखे होंगे, ठीक है, AAA AAA साइज के सेल्स आते हैं, नॉर्मली AA सेल्स हम यूज करते हैं। इन सेल के ऊपर अगर आप रेटिंग देखोगे तो लिखा हुआ होता है 1.5 वोल्ट लिखा हुआ होता है। ये सेल क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं कि इन सेल के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल होगा। इनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ केमिकल होता है, एक कार्बन रोड होती है, फिर NH4Cl होता है, बहुत सारी चीज़ें अंदर होती हैं इनके अंदर, ठीक है। जब आप तोड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक, वो बात अलग है। लेकिन इनके अंदर क्या है बच्चों, तो हम बोलेंगे कुछ केमिकल्स हैं, ठीक है। और जब हम इन सेल्स को किसी वायर से कनेक्ट करके किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट कर देते हैं, तो इन सेल से क्या होती है, करंट फ्लो होती है, ठीक है। करंट फ्लो होती है और वो बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है, ठीक। तो सेल ने क्या किया, तो वो बोल रहा है उसने केमिकल एनर्जी, इसके पास में अंदर क्या थे, केमिकल्स थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अ सेल्स परफॉर्म अ टास्क, और कौन सा टास्क परफॉर्म करता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सेल से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, अब ये हम जानते हैं। लेकिन आपके घरों में क्या सेल लगा हुआ है? नहीं भाई, हमारे घरों में सेल नहीं लगे हुए हैं। हमारा जो स्विच बोर्ड है ना बच्चों, ये एक पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। बाहर अगर आप देखेंगे तो आपके घरों के बाहर जो है ना पावर लाइन जा रही होगी, ठीक है। वो पावर लाइन जो है आपके घर में भी आ रही है, 220 वोल्ट की 220 वोल्ट का पावर सप्लाई जो है वो आपके घर में आता है, ठीक है। और उसी से, उस 220 वोल्ट की सप्लाई से ही हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो अपना टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। अगर ये सप्लाई नहीं आती, अगर लाइट सपोज करो अगर पावर कट हो जाती है, तो फिर वो कोई भी काम नहीं करेगा, वो कोई भी अपना टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो जो काम हमारे लिए बाहर से आने वाली पावर सप्लाई करती है उसका छोटा सा भाग अगर हम देखें या उसे समझने की कोशिश करें, तो वही काम हमारे लिए कौन करता है बच्चों, हम बोलते हैं सेल करते हैं, या बैटरीज करती हैं। बैटरी और सेल एक ही चीज़ है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। और ये सेल बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये इलेक्ट्रिकल सेल की हम बात करें, जिसे हम जनरली बैटरी बोलते हैं, ठीक। तो बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये स्विच जो है वो शायद किसी बैटरी से कनेक्टेड था, और बैटरी से कनेक्ट होने के कारण इस बल्ब में क्या फ्लो हुई, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई। इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो हुई तो ये क्या करने लगा, ग्लो करने लगा। ये एक बेसिक सा टास्क था, ठीक। चलिए, ये स्विच क्या कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि स्विच जो है एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है। किसके बीच में लिंक प्रोवाइड कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं स्विच प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन अ सेल एंड अ बल्ब, ठीक है। ये एक सिर्फ लिंक ही दे रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है। हाँ, अगर हम स्विच को हटा दें या स्विच को ऑफ कर दें तो हमें पता चलेगा कि ये बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं। तो ये एक कंडक्टिंग लिंक है जिसके अंदर क्या फ्लो हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। क्लियर है ये बात? तो चलिए, अब ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने का रीजन क्या है, कौन सी चीज ऐसी पीछे काम कर रही है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उस चीज को समझते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको वो बेसिक चीजें बता रहा हूं जो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होनी चाहिए, अभी हम चैप्टर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए, तो आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज है। आपने केमिस्ट्री में बहुत सारे एटम्स पढ़ रखे हैं, बहुत सारे पढ़ रखे हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज कीजिए मेरे पास में एक सोडियम एटम है। कौन सा एटम है बच्चों? सोडियम। सोडियम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? Na। और जब हम पीरियोडिक टेबल में हम इसकी बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में ये 11th नंबर पे आता है। इसकी मार्किंग कितने नंबर पे की जाती है? 11th नंबर पे की जाती है। तो ये 11 नंबर है क्या सोडियम के लिए? तो हम बोलते हैं सोडियम के लिए 11 इसका एटॉमिक नंबर है। क्या है ये? इसका एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के पास में या उस पर्टिकुलर एटम के पास में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। जब हम किसी एटम को समझते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है। अगर आपने बोर और रदरफोर्ड मॉडल पढ़ रखा है तो क्या इमेज बनती है? ये किसी भी एटम के बीच में एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, दैट इज जनरली नॉन एज न्यूक्लियाई। उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं या फिर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक। इस न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है? तो दो चीजें होती हैं। ये न्यूक्लियाई दो चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। कौन कौन सी वो दो चीजें हैं? फर्स्ट वन इज प्रोटॉन एंड सेकंड वन इज न्यूट्रॉन, है ना। ये न्यूक्लियस जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। अब ये बात ध्यान में रखना, जब हम सोडियम की बात कर रहे हैं और हमने बोला कि इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 11, इट मीन इट हैज 11 प्रोटॉन। सोडियम के पास में कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए सोडियम का ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो हमने बोला कि इसमें अंदर जो है वो 11 क्या है? प्रोटॉन्स है। न्यूट्रॉन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और प्रोटॉन तो हो गया न्यूक्लियस के अंदर, है ना। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसे कुछ ऑर्बिट्स हैं। ये ऑर्बिट्स सर्कुलर शेप में भी हो सकते हैं और एलिप्टिकल शेप में भी हो सकते हैं, जनरली हम सर्कुलर मान के चलते हैं। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? ट्रैवल करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में। ऐसा नहीं है कि इस ब्लैंक स्पेस में ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं। हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऑर्बिट्स में क्या करता रहता है? ऑर्बिटिंग मोशन होता है उनका, घूमते रहता है वो। तो हमने बोला ये पहला ऑर्बिट था, इसमें सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर जो सेकेंड वाला है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो टोटल समझिए, जब हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो हमने बोला देर आर 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही तो बात है। प्रोटॉन 11 कहां चले गए? न्यूक्लियस में चले गए। इलेक्ट्रॉन्स हमें 11 फुलफिल करने हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन तो इस वाले ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑर्बिट में, एंड फाइनली जो एक रिमेनिंग रह गया है लास्ट वन, देखो 2 + 8 दैट इज 10 ना। तो 11th वाला जो होगा वो लास्ट वाले ऑर्बिट में क्या कर रहा होगा? ट्रेवल कर रहा होगा। ये एक बादशाह है, अपने आप में किंग है भैया, पूरा ऑर्बिट इसका है, ठीक है। तो ये किंग की तरह बिहेव करता रहता है और किंग कुछ भी कर सकता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। किंग के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके खुद के डिसीजन है। ऑलराइट, चलिए अब क्या होता है? तो हम बोलते हैं जो ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बात ध्यान में रखना, एक नेगेटिव चार्ज, समझिएगा इस चीज को, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और वो जितना एक दूसरे के पास पास होंगे ना, वो उतना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे,
जितना दूर दूर होंगे कम अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जितना पास में होंगे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर ये समझिए कि जो प्रोटोन होते हैं ना बच्चों, दीज आर पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे होते हैं, इनके पास में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, दे कंटेन पॉजिटिव चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और दो ही तरीके का चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज किसके पास में, प्रोटॉन्स के पास में, नेगेटिव चार्ज किसके पास में, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में। इन दोनों के बीच में क्या होगा, सिंपल सा है, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे इस प्रोटोन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स, दिस इलेक्ट्रॉन इज अ बाउंड इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन है ये। किससे बाउंड है, सीधी सी बात है, न्यूक्लियस से बाउंड है। न्यूक्लियस में कौन से प्रोटोन से बाउंड है। फिर इसे थोड़ा सा और दूर चलते हैं तो ये 8 इलेक्ट्रॉन और आते हैं। कंपेरेटिवली ये भी न्यूक्लियस के क्या होते हैं, पास में ही होते हैं, नियर ही होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। किस से, न्यूक्लियस से। लेकिन भैया ये दूर होता है, ये लास्ट वाला ये ऑर्बिट में जो ट्रेवल कर रहा है ना, ये दूर है। ठीक है, हालांकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी अट्रैक्शन नहीं है, इतना ज़्यादा भी मोह नहीं है, तो तेरी जगह ठीक है, मैं मेरी जगह ठीक हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ केस है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर ये जो ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, दैट इज फ्री टू मूव इनसाइड अ क्रिस्टल। ये क्या करता है, इसको छोड़ करके क्रिस्टल के अदर एटम्स के पास में भी घूमने लग सकता है, ट्रैवल कर सकता है, इजीली ट्रैवल कर सकता है, बाहर भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो किसी भी एटम के आउटर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड बिकॉज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दैट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज वेरी लेस। क्या रीजन है कि जो अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का, वो बहुत कम होता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। दैट इज वाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर फ्री टू मूव इनसाइड द क्रिस्टल। ठीक है, अब क्रिस्टल की जब मैंने बात करी, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे एटम्स जो हैं एक दूसरे के पास में कनेक्टेड हैं। ये तो एक ही एटम था, ऐसे बहुत सारे एटम क्या होंगे, एक दूसरे के पास में होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन, पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे सोडियम से, फिर तीसरे सोडियम से, फिर चौथे सोडियम से, ऐसे आगे पीछे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन घूमते ही रहते हैं ये। ठीक है, एक जगह बैठते नहीं है ये भाई साहब, आगे पीछे चलते ही रहते, टकराते भी रहते होंगे, किसी से कोलिजन भी करते होंगे। ठीक है, कॉलिजन तो होगा ही होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन कर सकता है, कर सकता है भैया। ठीक है, तो कॉलिजन भी होता होगा, कॉलिजन से वो अपने डायरेक्शन को चेंज भी करते होंगे, ऐसे बहुत सारे टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं किसी क्रिस्टल में। लेकिन बस इस चीज को ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण फ्लो होती है, तो ये बात ध्यान रखना, द चार्ज विच कैन मूव इजिली इज द मेन रीजन बिहाइंड द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो चार्ज इजीली मूव कर सकता है उसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो कौन इजीली मूव कर सकता है, दीज प्रोटॉन्स कैन इजीली मूव, और दिस इलेक्ट्रॉन, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव। बताइए, मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कौन बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन आउटर शेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन्हीं के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, प्रोटॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन है कि विच चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, विच चार्ज, द नेगेटिव चार्ज नोन एज इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये एक अच्छा फन फैक्ट है कि जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज की गई, या फिर पहली बार जब लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को जाना, तो उन्होंने माना था कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव चार्ज के कारण फ्लो होती है, उन्होंने माना था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। ठीक, फिर बाद में जब इसमें एक्सपेरिमेंट होते गए तो उन्हें पता चला कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। कौन था भैया, नेगेटिव चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इन कंडक्टर्स, हम यहाँ पे 10th में सिर्फ कंडक्टर की ही बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना, मैं सेमी कंडक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके सिलेबस का वैसे भी पार्ट नहीं है। ठीक है, तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इस बात को ध्यान में रखो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो ईजिली करंट फ्लो होगी, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगी। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, जितने कम फ्री इलेक्ट्रॉन है उतनी कम फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो आप। ठीक है, पता चल गया व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स, द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज द रीजन बिहाइंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके,
चलिए, तो ये मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, डन है बच्चों ये। चलिए अब काम करना चालू करते हैं, अब चैप्टर के ऊपर आते हैं। तो आपने अभी तक क्या समझा उस चीज को हम नोट डाउन करें। क्या नोट डाउन करना है? सबसे पहले मैंने आपको एटम के बारे में बताया, जैसे सोडियम के बारे में बताता हूँ, तो सोडियम को मैंने कुछ ऐसा लिखा था Na। अब इस Na की जगह मैं बच्चों क्या लिखने वाला हूँ, X लिखने वाला, ठीक। फिर एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा जाता है इस तरफ 11, ठीक। तो यहाँ पर मैंने एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया Z से। फिर एटॉमिक मास नंबर या तो यहाँ लिखा जाता है या फिर यहाँ लिखा जाता है, इट डिपेंड्स, हर एक बुक अब अलग अलग तरीके से लिखती है। एटॉमिक मास नंबर सोडियम का होता है 23। क्या होता है बच्चों? 23 होता है। ये आप याद रखना चाहें तो रख लीजिए, नहीं याद रखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो ये है या फिर ये है, दोनों, ठीक है, दैट इज एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर व्हाट इज एक्स? सिंबल ऑफ एटम। ठीक है, जैसे Na, X की जगह Na लिख सकते हैं। व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, आप सभी को अब तक पता चल गया होगा, किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ये बात ध्यान रखिएगा। डन। चलिए, व्हाट इज ए? ए इज नोन एज एटॉमिक मास नंबर। ए को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास नंबर। ये चीज आपके इस चैप्टर में काम के लायक नहीं थी, इसलिए मैंने इसको एलैबोरेट नहीं किया है, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए आप याद रखिए कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये दोनों ही चीजें कहाँ होती है? न्यूक्लियस में होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एटॉमिक मास नंबर होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। डन इतना। चलिए, इसके बाद में हमने दो तरीके के चार्ज को डिस्कस किया था, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है या इनका चार्ज कितना होता है, मास के बारे में भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है ई से, और इसका चार्ज जो होता है, ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के पास में कैसा चार्ज होता है? आंसर है नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये। इन चीजों को ऐसा का ऐसा ही उतार लीजिए बच्चों, इन्हें ऐसा का ऐसा ही आपको उतारना है। इट इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और इसका चार्ज कितना ये ध्यान में रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, लेकिन कैसा? नेगेटिव का, तो आप चाहे तो यहां पर नेगेटिव साइन लगा लीजिए, ठीक है। इसका मास कितना होता है, ये खैर आप चाहें तो याद न रखें, मास के लिए याद रखने की कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी, लेकिन दो भी मैं लिख देता हूं, 31 kg। आपको पता चलेगा कि इसका मास बहुत कम होता है, ऐसा कि हम जनरली हम इसे मेजर नहीं कर पाए, इसके लिए हमें प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो कि लेबोरेटरीज में ही होते हैं, है ना। चलिए, ये इसका मास होता है। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन्स को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं,
ठीक है। फिर इनके पास में चार्ज कितना होता है, तो सेम जितना किसी इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है उतना का उतना किसी प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो आप सोचिए, जितना किसी एटम के पास में नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही उसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर किसी एटम का एंटायर चार्ज पूछा जाए, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एटम, सो ऑल द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है, तो टोटल सम ऑफ चार्ज विल बी जीरो। सीधी सी बात है, इसको और इसको ऐड करो बच्चों, ऐड करोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो जब किसी भी बॉडी का चार्ज जीरो होता है तो हम बोलते हैं वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो एटम भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि उसके पास में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, मास आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चार्ज ध्यान रखोगे। ठीक है, मास मैं लिख देता हूं 1.67 × 10⁻²⁷ केजी। ठीक है, और न्यूट्रॉन के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में न्यूट्रॉन का कहीं कोई लॉजिक नहीं है। हालांकि प्रोटॉन्स का भी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन पढ़ा है इसलिए हमने प्रोटॉन को भी डिस्कस किया है। जल्दी से एक बार के लिए इस चीज को उतार लीजिए, जल्दी से उतारें इसे। और उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में भी आई होगी आपको। उतार लिया, डन, ओके। मैं वीडियो को एक बार के लिए चेक कर लेता हूं। चलो अभी तक हम ठीक ही जा रहे हैं। हाँ, अब इसके बाद में समझिए, अब इसके बाद में चैप्टर की एक आध ऐसी चीजें हम पढ़ लेते हैं जो हमें पता ही होनी चाहिए। हटा देता हूं, तो सबसे पहली चीज समझिए, जब मैंने आपको बताया था कि एक बल्ब है, एक स्विच है, एक सेल है, और इनका एक पाथ है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, उस पाथ को हम क्या बोलेंगे, तो एक वर्ड है, एक जनरल वर्ड है, इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों ये आपने बहुत बार सुना होगा, सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक है, सर्किट फॉल्टी है इसलिए काम नहीं हो रहा होगा, ऐसी चीजें आप जनरली सुनते हैं। व्हाट इज सर्किट, ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो हम बोलते हैं ये एक पाथ है और कंटिन्यूस पाथ है जिसमें क्या फ्लो हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। सो द कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ गुड क्वेश्चन। क्या होता है, अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ, अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ इन विच करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, या करंट कैन फ्लो भी लिख सकते हैं, इन विच करंट कैन फ्लो इज नॉन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो दो तरीके के होते हैं। कैसे दो तरीके के होते हैं, तो हम बोलते हैं दे कैन बी, देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। फर्स्ट वन इज ओपन सर्किट एंड सेकेंड वन इज क्लोज सर्किट, जो अपन ने ऊपर डिस्कस किया था जिसमें करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, तो दो तरीके के सर्किट होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। क्या डिफरेंस है दोनों में, तो एक सिंपल सा डिफरेंस है बच्चों,
देखो जब स्विच ऑफ होता है किसी तरीके की कोई करंट फ्लो नहीं होती, कोई बल्ब ग्लो नहीं करता, कोई फैन नहीं चलता, दैट इज ओपन सर्किट। वो कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट। आप कह सकते हैं अगर कोई सर्किट ब्रेक है इसका मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी तो इसका मतलब वो कौन सा सर्किट है? ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा होता है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट कौन सा? जिसमें करंट क्या हो सकती है? फ्लो हो सकती है। करंट कब फ्लो होगी? स्विच ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए? ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो स्विच अगर ऑन होगा तो सर्किट कौन सा हो जाएगा? क्लोज सर्किट, जिसमें करंट क्या हो सकती है? फ्लो हो सकती है। और अगर स्विच ऑफ होगा, करंट फ्लो नहीं होगी, तो फिर वो कौन सा होगा? ओपन सर्किट होगा। चलिए इस चीज को लिख देते हैं। इफ स्विच इज ऑफ, इफ स्विच इज ऑफ एंड करंट इज नॉट फ्लोइंग, इनटू द सर्किट, देन द पर्टिकुलर सर्किट इज नॉन एज ओपन सर्किट। ए स्विच इज ऑन एंड करंट इज फ्लोइंग, देन द पर्टिकुलर सर्किट इज नॉन एज क्लोज सर्किट। लिख लोगे मेरे हिसाब से, इतना तो आपको पता होगा। चलिए अब यहां पर एक चीज और समझिए बच्चों, हमने हर बार स्विच के बारे में बात करी है। तो स्विच क्या बता रहा है, स्विच क्या कर रहा है? तो जब हम सर्किट की बात कर रहे हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट की बात कर रहे हैं, तो देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये एक बल्ब है बच्चों, है ना, और यहां पर एक बैटरी है। बैटरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, एक बड़ा लाइन होता है, एक छोटा सा लाइन होता है, दैट इज बैटरी। और स्विच को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ठीक। तो अगर मैं ये एक पूरा का पूरा एक पाथ बनाऊं, ये एक पूरा पाथ है, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब यहां पर यह समझने लायक बात है, अगर स्विच ऑन है तो आप यहां पर डॉट बनाएंगे, यहां पर यह डॉट क्या बताता है कि सर्किट इज क्लोज्ड, स्विच इज ऑन। ये कैसा स्विच है? ऑन स्विच है। स्विच को हम की भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? की, ठीक है। इसे और क्या बोला जा सकता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में? की भी बोलते हैं। इसे और क्या बोलते हैं? स्विच भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। और किसी बल्ब को रिप्रेजेंट करना हो तो ये बल्ब को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक। अगर स्विच ऑन है तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगी, और करंट कहां से कहां की ओर फ्लो हो रही है तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कहां की ओर फ्लो होती है? नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है। और जब ये फ्लो हो रही होगी, इट विल पास थ्रू वेरियस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बीच में बल्ब भी हो सकता था, फैन भी हो सकता था, अदर LEDs लाइट भी हो सकती थी, ठीक है। उनसे वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? पास होगी। तो देखो करंट फ्लो हो रही है, स्विच ऑन है, तो फिर ये वाला सर्किट कैसा होगा बच्चों? क्लोज सर्किट होगा। ये ऊपर वाला सर्किट किसका एग्जांपल है? क्लोज्ड का, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है? क्लोज सर्किट का एक सिंपल एग्जांपल है, सबसे सिंपल एग्जांपल है। तो इस केस में बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा या नहीं करेगा? तो बल्ब इज ग्लोइंग, ठीक है। बल्ब क्या कर रहा होगा? ग्लो कर रहा होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्यों? क्योंकि उससे करंट पास हो रही है। फिर यहां पर अगेन एक बल्ब है, एक बैटरी अभी भी वैसी की वैसी है, और वो स्विच भी वैसा का वैसा है, लेकिन इस समय स्विच ऑफ है, ऑन नहीं है। तो ऑफ को कैसे रिप्रेजेंट करना है? कोई डॉट नहीं लगाना, ऐसा कैसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये बैटरी हो गई, ये स्विच हो गया, ये बल्ब हो गया। अब क्या ये बल्ब ग्लो कर रहा है? तो हमने बोला, हमने समझा कि स्विच ऑफ था। स्विच क्या था? ऑफ था। स्विच ऑफ था तो इस बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं हुई। अगर करंट इससे पास ही नहीं हुई तो क्या ये ग्लो करेगा? आंसर है, नहीं करेगा, ठीक है। तो करंट पास नहीं हो रही है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, स्विच ऑफ है। ये सारे के सारे सिनेरियो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आंसर है बच्चों, ओपन सर्किट को। किसको? ओपन सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, वापस से समझ लीजिए, ये बैटरी है बच्चों, और बैटरी का ये जो बड़ा वाला लाइन होता है ना, इस बड़ी वाली लाइन को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और ये जो छोटा वाला लाइन होता है इसे बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है ये बात। तो इस वाले में देखो करंट कहीं शो नहीं करनी, जब भी स्विच ऑफ होता है तो करंट की डायरेक्शन शो ही नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि करंट फ्लो होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए बच्चों कि इन अ क्लोज सर्किट करंट फ्लोज थ्रू द वेरियस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और ओपन सर्किट में किसी तरह की करंट फ्लो नहीं होती है। डन हो गया। चलिए अब मैं जो चीज बताना चाहता था, मैं आपको बताना चाहता था कि व्हाट इज स्विच, व्हाट इज स्विच या टास्क ऑफ स्विच, टास्क ऑफ स्विच क्या करता है स्विच, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है ना। स्विच प्रोवाइड्स अ लिंक, स्विच क्या करता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है किसके बीच में, एक बैटरी और एक बल्ब के बीच में या किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बीच में ना। इट प्रोवाइड्स अ कंडक्टिंग लिंक, ये कंडक्टिंग लिंक है। ये जो वायर है ना बच्चों, ये वायर कैसा है, कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, कैसा वायर है ये, कंडक्टिंग वायर। इन वायर्स को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग वायर्स, कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है, कंडक्टिंग वायर्स का एग्जांपल कौन सा, तो आपने घरों में देखा होगा आपके घर के अंदर कॉपर वायर जनरली यूज होता है, फिर अदरवाइज एल्यूमिनियम वायर यूज होगा, या तो कॉपर वायर यूज होगा या एल्यूमिनियम, बिकॉज दीज टू आर गुड कंडक्टर्स। ऐसे तो आयरन इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, बट कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड गुड कंडक्टर्स। ठीक है, वायर के रूप में अगर आपको किसी को यूज करना है या एग्जाम में आ जाता है ना, विच एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कंडक्टिंग वायर्स, क्वेश्चन समझिए, विच एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कंडक्टिंग वायर्स इन हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट मतलब हमारा जो घर के अंदर जो सर्किट है उसके अंदर हम कौन सा कंडक्टिंग वायर यूज करते हैं, तो हम बोलते हैं जनरली कॉपर and aluminium are used as conducting wires in household circuits. बात समझ में आ गई, क्लियर है ये बात। ये कंडक्टिंग वायर्स हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी easily फ्लो कर सकती है। ठीक, चलिए हाँ बात कर रहे हैं स्विच की, तो स्विच क्या कर रहा है, स्विच प्रोवाइड्स अ कंडक्टिंग लिंक, इट प्रोवाइड्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन अ सेल एंड अ बल्ब। It provides a conducting link between a cell and bulb. ठीक है, और बल्ब के ब्रैकेट में लिख दो various इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना। बल्ब की जगह और कुछ भी हो सकता था, फैन भी तो चला सकते थे भैया। ठीक है, तो बल्ब की जगह कुछ भी हो सकता था, और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, वेरियस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब आप बोलोगे सर ये कहां से पढ़ा दिया, तो बच्चों जो आपका चैप्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी, उसका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट पेज का ही पार्ट था। आपके फर्स्ट पेज में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाट इज स्विच, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, वही हमने आज डिस्कस किया है। ठीक, तो मैं कुछ इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको कि आपको फिजिक्स ऐसी लगे जैसे आप ब्रेकफास्ट के अंदर ब्रेड विद बटर लेते हैं, ठीक है, या फिर मिल्क लेते हैं, सामान्य मिल्क नहीं लेते हो मेरे को पता है, वाइट मिल्क कोई नहीं लेने वाला तुम में से, ठीक है, या तो बॉर्नविटा लोगे या हॉर्लिक्स लोगे हैं या फिर कॉम्प्लेन बॉय बन जाओगे तुम। ठीक, तो कुछ इस तरीके से जिस तरीके से आप अपने ब्रेकफास्ट को बहुत अच्छे से लेते हैं ना, अगर आपको कोई क्या किया खीर दी जाए या फिर कोई जूस दिया जाए कितना आसानी से ले जाते हो, वैसे ही आसानी से फिजिक्स भी आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। कुछ ऐसी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो मैं और ट्राई करूंगा, चिंता मत करो आपको लगेगा ये अच्छा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।